दोस्तों मैं हाईवे से निकल रहा था और मोगड़ा के अंदर एक गौशाला बना है यहाँ पर। भाई दोस्तों जानकारी हासिल करते हैं किस प्रकार इस पर ये जो है पूरे जो गोवंश को बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। बहुत बड़े बड़े छप्पर के होल बनाए हुए हैं और इसके अंदर गोवंश रह रहे हैं। उसके साथ में एक इधर जो है ये छोटी सी कुटिया टाइप बनाया हुआ है, कुटिया बहुत जो है सुंदर, जहाँ जैसे पुराने साधु संत महात्मा रहते थे जंगलों में, उसी प्रकार की ये कुटिया है। आइए पूरी जानकारी हासिल करते हैं किस प्रकार और कौन इसको संचालित कर रहा है। दोस्तों जो स्वामी जी हैं हमारे साथ हैं जो यहाँ पर देख रेख कर रहे हैं और यहाँ पे हम आए थे। प्रणाम जी। आनंद हो। जय श्री गो माता। जय श्री गो माता। ये गौशाला कब से क्या शुरू हुआ? शुरुआत तो काफी समय से चल रहा है। अच्छा। लेकिन इसको विस्तार पूर्वक आगे अब लेके आए हैं पिछले 5-6 महीनों से। अच्छा। काफी वर्षों से ये कार्य चल रहा है मोगड़ा में। और जब गांव के अमुक लोगों को लगा कि गोवंश बहुत ही दयनीय स्थिति में है लॉकडाउन में, उस समय गांव के अमुक लोगों ने यहाँ पर एक बाड़ा बनाकर बहुत ही अच्छी सुचारू व्यवस्था की थी। लेकिन गोवंश के लिए पर्याप्त लॉकडाउन के अंदर चारे की व्यवस्था नहीं थी, तो गांव के अमुक आदमियों ने यहाँ पर बुलाकर एक जागरण करवाया। और जागरण के निमित्त मुझे यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर गोवंश के लिए कुछ परेशानी है। बस ये बहुत ही अच्छी राजस्थान की लोकेशन है जो जोधपुर से पाली NH-62 पर हाईवे पर बनी हुई है। इसमें अभी पशु चिकित्सालय गौशाला और नंदीशाला के बनाने का मेरा एक प्रावधान है। और जो ये कुटिया आप देख रहे हैं ये हमारे गांव के भामासा लक्ष्मण जी सुथार हरिराम जी हरजी बा के सुपुत्र हैं, उन्होंने मेरे लिए बनवाई है। और साधु संत ब्राह्मण लोग आए उनके लिए रुकने के लिए भी उत्तम व्यवस्था यहाँ पर है। परमात्मा की कृपा से यहाँ पर तीन सेट भी अभी बना गए हैं और एक स्थायी रूप से पीछे बना हुआ टीन सेट। और ये पीछे वाली जो भी जमीन आप देख रहे हैं बिरमा राम जी, ये सब गोवंश के लिए है। अच्छा। अभी रिसेंटली ये बबूल इसलिए नहीं कटवाए हैं क्योंकि यहाँ पे छाया की कमी है, ताकि गोवंश के लिए कम से कम ये पर्याप्त मात्रा में विचरण करने के लिए एक जगह है। ये गौशाला की जमीन है तो इसमें दिन में छोड़ दिए जाते हैं और पानी पी ले हुए अपने आराम से विचरण कर ले हुए, शाम को जिस समय चारे की व्यवस्था उस समय वापस यहाँ पे पधार जाए। छप्पर ये कुछ अलग अलग बनाए हुए आपने? ये बिरमा राम जी मेरी एक बहुत बड़ी सोच है कि जब लोहे के टीन सेट के अंदर अगर इंसान नहीं बैठ सकता, मनुष्य नहीं बैठ सकता, तो गोवंश कैसे बैठेगा? अच्छा। और नहीं बैठने का सबसे बड़ा कारण है भीषण गर्मी। हाँ। अगर गर्मी के अंदर लोहे का टीन सेट अगर आप हाथ नहीं लगा सकते तो उसके नीचे बैठना दिन भर बहुत बड़ी एक समस्या है। अच्छा। और गोवंश के लिए मैंने ये सोचा भाई पैसे लग जाए कोई गम नहीं, हम चार साल के बाद में इसको वापस व्यवस्थित करेंगे। इसलिए सरकियों का एक बनाया गया है जो जोधपुर के बंजारा समाज से बहुत ही स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्होंने ये हमारे यजमान है। और एक टीन सेट भगवान जम्बेश्वर भगवान के नाम से ही बनाया है गुप्त में, एक विश्वकर्मा जी के नाम से जो आपको मैंने बताया हरिराम जी हरजीबा जिनके सुपुत्र हैं लक्ष्मण जी सुतार साहब, और एक बजरी यूनियन जोधपुर के समस्त बजरी यूनियन द्वारा जो प्रथम टीन सेट है जो 80-90 नंदी हमारे पास में है। ज़्यादा जोर मैं नंदी पर इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर गौ माता के लिए दुधारू गौ माता, चाहे वो गोवंश दूध देने वाला हो चाहे नहीं हो, तो गौ माता के लिए हर आदमी रोटी है चारा है सब देते हैं, लेकिन नंदी के लिए थोड़ी सी केयरिंग कम होती है। तो आप देख रहे हैं जंगल में जितने भी मोगड़ा के आसपास में हैं लगभग अभी मेरे पास में 11-12 गोवंश 72 गायें हैं। अच्छा। जो एक भी किसी धनी की नहीं है या किसी मालिक की नहीं है, आसपास के काकड़ में जंगल में ब्याई हुई गौ माता है जिसकी सेवा हम कर रहे हैं। और लगभग 200 गोवंश हैं छोटे बड़े। और परमात्मा की कृपा से ऐसा भी मेरा एक बहुत बड़ा है ठाकुर जी महाराज के आशीर्वाद से कि केवल गोवंश ही नहीं जंगल का जो भी जीव आने वाले समय में अगर दुखी तो नहीं कह सकते लेकिन परमात्मा की ऐसी घड़ी आ जाती है समस्या तब वो विपत्ति में हो जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन और यहाँ पे पशु चिकित्सालय बनाने का एक प्रावधान है। और परमात्मा ने और सरकार ने साथ दिया तो बहुत अच्छा एक यहाँ पे रूप देंगे और गौ माता की बड़ी कृपा है। पधारिए आप। ये मेरा नाम हेमंत महाराज है, मैं गौ सेवक कथावाचक हेमंत महाराज। भाई गोवंश के लिए और जीवों के लिए आप जितना परोपकार और दया बताएंगे, क्योंकि इस गर्मी के अंदर पानी की कमी, पतझड़ का मौसम, छाया नहीं है, सब पत्ते झड़ गए हैं और चारे की कमी है, तो गोवंश और जीव कहाँ जाएंगे? तो मेरा आप सभी से इस जंबसार मीडिया से एक ही निवेदन है और इनके जितने भी फॉलोअर्स हैं सब्सक्राइबर हैं इनसे निवेदन है, इनका केवल एम ये नहीं रहता है कि क्या बताना है क्या नहीं बताना, जो अच्छी चीज है वो मोटिव करें, उसको आप सपोर्ट करें। आप देखते रहते हो मेरा? मैं बिल्कुल देखता हूँ आपके छोटे छोटे वीडियो से लेके अच्छे से अच्छे वीडियो तक मैं आपको देखता हूँ, फॉलो करता हूँ मैं आपको। और सबसे बड़ी बात मेरा आपको ये लगा कि आप देसी अंदाज में सब कुछ करते हैं और ये देसी अंदाज इंसान को भाता है। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद। भगवान की कृपा हमेशा जम्बेश्वर भगवान की बनी रहे
और विष्णु भगवान की बड़ी कृपा है विष्णु समाज पर। तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, आप जहाँ पर भी जाएं गोवंश के लिए और हिंदू संस्कृति के लिए, आप इस धर्म प्रचार में लगे हुए हैं, आप खुद एक देशभक्त हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, मेरे को आपका परिचय भी पता है और कोटि कोटि साधुवाद है। और जितने भी सब्सक्राइबर और देख रहे हैं उनसे मेरा एक निवेदन है कि हम कभी कभी ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा जोर देते हैं कि भाई पीछे क्या हो रहा है या साइड में क्या हो रहा है और मैं क्या बोल रहा हूँ वो आप गौर नहीं करोगे। मेरा हाथ जोड़कर एक निवेदन, मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, हाथ जोड़ सकता हूँ, जो अच्छी चीज़ है उसको फॉलो करें। आपका बहुत बहुत आभार, साधुवाद समय। तो दोस्तों ये एक बहुत सुंदर जानकारी थी, जो गौशाला का छप्पर है इसको बनाने की कुछ अलग थलग जो है ये प्रोसीजर था, क्योंकि जमीन लेवल से ये लगभग 20 फीट हाइट है इसकी, जिसकी वजह से ये ठंडा भी है। बहुत अच्छा लगा हमारे को, हमने आपको ये वीडियो बताने का प्रयास किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और आप सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे। मैं फिर हाजिर हूँगा किसी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।